الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم صدق الله العظيم। आज भी हो जो इब्राहिम सा ईमा पैदा, आज भी हो जो इब्राहिम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा। वो मकतब की करामत थी, वो मकतब की करामत थी, यह नजर कमाल का था। वो मकतब की करामत थी, यह कमाल नजर का था। किसने सिखाई इस्माइल को आदाब फर्जंदी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक तआला शानों का लाख लाख एहसान है, उसका करम है कि उसने हमको और आपको साल में दो ईदें अता फरमाई। आलम इस्लाम के दो त्योहार जो पूरी दुनिया के अहले ईमान को अल्लाह तबारक तआला शानों की तरफ से अतिया है, तोहफा है, ईद उल फितर और ईद उल अज़हा। आज ईद उल अज़हा की नमाज के लिए, उसकी जमात के लिए, अपने घर में नमाज दोगाना अदा करने के लिए अल्लाह ने जमा होने की तौफीक अता फरमाई। अल्लाह इस जमा को कबूल फरमाए। जो अल्लाह ताला के जितना ज्यादा नजदीक होता है उसके इम्तिहान उतने ही ज्यादा होते हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिनके कोई औलाद नहीं थी, बुढ़ापे में अल्लाह ताला ने उनको औलाद अता फरमाई, और वो औलाद भी कैसी, वो औलाद ऐसी कि इतनी फरमाबरदार कि साथ में मिल करके खाने काबा की तामीर फरमा रहे हैं। छोटे इस्माइल हैं, छोटे से अल्लाह के पत्थर दे रहे हैं, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम वो खाना काबा जो कि दुनिया बनने से पहले से था, वो खाना काबा जब इंसान यहाँ पर आबाद नहीं थे तो सिर्फ फरिश्ते और जिन्नात उसका तवाफ किया करते थे, वो खाना काबा जिसकी तामीर पहली मरतबा हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने करी, फिर तूफान नूह में वो खाना काबा मुनहदिम हो गया, तो दोबारा अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो खाना काबा की तामीर करें, और उन्होंने पत्थरों से तामीर करी। वो खाने काबा की तामीर करते जाते थे और दुआ करते थे, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नक अंतस समीउल अलीम। ईद उल अज़हा क्या है, यह कुर्बानी क्या है, इसका पैगाम क्या है, इसका मैसेज क्या है? अल्लाह ताला ने कुर्बानी को अहले ईमान के एक को पसंद फरमाया। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने उनकी सबसे महबूब तरीन चीज को कुर्बान करने के लिए और उसकी कुर्बानी मांगी, तो उन्होंने अपने बेटे इस्माइल से जाकर के कहा, या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंज़ुर माज़ा तरा। ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरे प्यारे बेटे, मैं ख्वाब में देखता हूँ कि मैं तुम्हें अल्लाह की राह में ज़िबा कर रहा हूँ, मैं तुम्हें अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहा हूँ, तो तुम्हारी क्या राय है, इस बारे में तुम क्या सोचते हो, इस बारे में तुम क्या कहते हो? वो फरमाबरदार बेटे ने क्या जवाब दिया? आज हर बेटे को अपने वालिद को यही जवाब देना चाहिए जब भी उससे कोई कुर्बानी मांगी जाए। फाल या अबदी फाइल मातुमर सतजिदुनी इंशा अल्लाह मिनस साबिरीन। मेरे अब्बा जान, आप कर गुजरिए जिसका अल्लाह ने आपको हुक्म दिया है, अन करीब आप मुझे सब्र करने वालों में पाए। ये जवाब था उस फरमाबरदार बेटे का। अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को कबूल फरमाया और उनकी जगह पर एक दुम्बे को भेज दिया, और इस सुन्नत को, सुन्नत इब्राहिमी को कयामत तक आने वाले ईमान वालों के लिए पसंद फरमाया। आज जब हम जानवर की कुर्बानी देने चले तो हमारे दिल में जज्बा हो, हमारे ये एहसासात हो, हमारे दिल में ये ख्वाहिश हो, हमारे दिल में ये तमन्ना हो कि अल्लाह ताला जब हमसे जैसी भी कुर्बानी मांगेंगे उस कुर्बानी को देने के लिए हम तैयार हैं। अल्लाह ताला ने हमसे इस जानवर को कुर्बान करने के लिए कहा है, लेकिन अगर इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी हो गई होती और ये हुक्म होता कि अपने बेटे की कुर्बानी देनी है तो भी हम पीछे नहीं रहते। और आज भी जब इस्लाम को जिस तरह की जरूरत होगी,
इस्लाम के लिए जैसी कुर्बानी देनी होगी, राह खुदा में जैसी कुर्बानी पेश करनी होगी, कभी अपनी जान की, कभी अपने माल की, कभी आल औलाद की, कभी अपनी ख्वाहिशात की, कभी नफ्स की, तो हम उस कुर्बानी को देने से पीछे नहीं हटेंगे। ये कुर्बानी क्या है? ये कुर्बानी वो है कि ये ठंडक के मौसम में आपको आवाज दी जाए, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, आप गर्म बिस्तर के अंदर हो, आप अपने कमरे के अंदर हो, आप लिहाफ और कंबल के अंदर हो और आवाज दी जाए अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, तो लबैक कहते हुए इंसान मस्जिद में हाजिर हो जाए और अपनी नींद को कुर्बान कर दे। ये कुर्बानी क्या है? इस धूप के आलम में, इस शिद्दत की धूप में आप बैठे हुए ईदगाह में अहकाम खुदावंदी को बजा लाने के लिए, दो गाना अदा करने के लिए आप आए हैं, ये है कुर्बानी। दिल तो कहता है कि अगर माफी मांगेंगे तो हम छोटे हो जाएंगे, दिल तो कहता है, नफ्स तो कहता है कि ये क्या करने जा रहे हो, अपने ही छोटे भाई से माफी मांगने जा रहे हो, अपने पड़ोस में जो गरीब रहता है, जो तुमसे कमतर है, उससे माफी मांगने जा रहे हो, तुम क्या भाई सैयद साहब, अरे सिद्दीकी साहब, तुम ये क्या करने जा रहे हो, वो फला साहब वो तो छोटी बिरादरी का है, तुम उससे माफी मांगने जा रहे हो, ये क्या कर रहे हो, तो नफ्स को कुचल देना है और कहना है कि नहीं, वो मेरा ईमान वाला भाई है, वो मेरा ईमान वाला भाई है, वो मेरा पड़ोसी है और पड़ोसी के हुकूक हैं, वो किसी भी मजहब का मानने वाला है लेकिन मुझे उसके हुकूक अदा करने हैं, ये है कुर्बानी। जब अल्लाह ताला की तरफ से जान का नजराना मांगा जाए और ऐलान हो जाए कि अपनी जानों को कुर्बान कर दो इस्लाम पर, तो ये है कुर्बानी। जब कुर्बानी मांगी जाए कि आओ अपना माल खर्च करके मेरे घर का तवाफ करवा करके हरमैन शरीफैन की ज्यारत करो, तुम्हारे पास इस्तेताअत है, तुम्हारे पास इतना माल है, तुम्हारे ऊपर हज फर्ज हो गया है, तो उस हज को अदा करने के लिए अपने घरों को छोड़कर लाखों रुपए अल्लाह की राह में खर्च कर, सौबतें और तकलीफें उठाकर बहुत जाओ हज के लिए, खाने काबा के सामने मैदान अरफात में, मीना और मुज़दलिफा पे, सफा और मरवा पे और मदीने मुनव्वरा में ज्यारत के लिए, यह है कुर्बानी। जब जैसी कुर्बानी हमसे मांगी जाए, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान करीम में, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुन्फिकु मिम्मा तुहिब्बून, उस वक्त तक तुम हकीकी नेकी को नहीं पा सकते जब तक ये अल्लाह की राह में अपने महबूब तरीन चीज को कुर्बान न कर दो, अपनी महबूब तरीन चीज को अल्लाह की राह में, अपने महबूब तरीन माल को खर्च न कर दो, उस वक्त तक तुम हकीकी नेकी को नहीं पा सकते। आज हम जब कुर्बानी के जानवर पे छुरी चलाएं तो अपनी अना पर भी चला दें, जो हर बात पर मैं किया करती है। आज जब हम कुर्बानी दें अल्लाह की राह में तो हमारे दिल में जज्बा हो कि अल्लाह आज आपने इस जानवर को कुर्बान करने का हुक्म दिया था, हम कुर्बान कर रहे हैं तेरी रजा के लिए और इखलास के साथ कुर्बान कर रहे हैं और तेरी रजा के लिए कुर्बान कर रहे हैं, किसी दुनिया का मकसद और किसी दुनिया का दिखावा हमें मकसूद नहीं, दुनिया की वाहवाही हमें मकसूद नहीं, सिर्फ तेरी रजा के लिए हम ये काम कर रहे हैं, तो इंशाअल्लाह वो कुर्बानी फिर हमारे लिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसके एक एक बाल के बदले में एक नेकी अता फरमाई जाएगी, वो कुर्बानी तुम्हारे लिए पुल सिरात पर सवारी बनेगी, वो कुर्बानी तुम्हारे लिए नजात का जरिया बनेगी, वो कुर्बानी तुम्हारे लिए बख्शिश का जरिया बनेगी, वो कुर्बानी तुम्हारे लिए गुनाहों के माफ होने का जरिया बनेगी, वो कुर्बानी तुम्हारे लिए नेकियों के हासिल करने का जरिया बनेगी, वो कुर्बानी तुम्हारे लिए दिल को मोह होने का जरिया बनेगी, उस कुर्बानी के जरिए से तुम्हारे दिल की सख्ती खत्म हो जाएगी, उस कुर्बानी के जरिए से तुम्हें वो नेकी आता होगी जो नेकी अल्लाह की तरफ से मकसूद है। हर ईमान वाले के दिल में जज्बा रहता है कि वो भी जाए हरम शरीफ जाकर के वहाँ पे तवाफ करे, वो भी जाए और हुज्जाज किराम के साथ में उनकी खिदमत में शामिल हो। हर ईमान वाले के दिल में जज्बा रहता है कि जिन आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हम हैं, जिन पर ईमान लाए हैं, जो अल्लाह के महबूब हैं, जो हमारी जानों से ज्यादा, हमारे मालों से ज्यादा, हमारे वालदैन से ज्यादा, हमारी औलाद से ज्यादा हमको महबूब है, उनके रोजे की जाकर के ज्यारत करें, उनके रोजे पे खड़े होकर के सलात और सलाम का नजराना पेश करें। ये ईमान वाले के दिल में जज्बा रहता है कि जब मदीने का तस्किरा आ जाए, जब मदीने का जिक्र आ जाए तो उसकी आंखें अश्कबार हो जाए, उसके दिल पे दिक्कत तारी हो जाए, उसका दिल मोम हो जाए, उसका दिल पिघलने लगे, वो आका की और मौला की याद में बेचैन होने लगे। हर तरह की कुर्बानी देने के लिए ये कुर्बानी का त्योहार आता है ईद उल अजहा।
साल के दो त्योहार ईद उल फित्र और ईद उल अजहा पूरी दुनिया के साहिब निसाब लोग ये कुर्बानी को पेश करते हैं। पूरी दुनिया के साहिब निसाब अहले ईमान कुर्बानी